से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों मुनियों देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे, पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया, भगत जी एक रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुँचने में परमात्मा का नाम दान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्व धर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गुरतेज दास नाम है जी मेरा। सर कहाँ से आए हो?
गाँव सैणा तहसील बरनाला पंजाब स्टेट से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले तो 1992 में संत अपने सरसे वाले से नाम लिया था। उनकी जन की साधना करते करते मेरे शरीर में कष्ट रहने लगे। उसके बाद मैंने देवी देवता की साधना करनी शुरू कर दी। साढ़े घर कहते लोग भी थोड़े घर गद्दी आ गई पीरां दी, पीर तो तंग करते ने गे, पर मैं करता नहीं सीगा भगती। साढ़े घर कोई नहीं, सारे राधा स्वामी ने गे, राधा स्वामी मत ना जुड़े सू 50 साल हो गए। तो उन्होंने साधना करते जोत बत्ती कुछ नहीं करते जी घर। पर उस तो बाद मैं किसी कहते मैं जब चिराग लाने लग गया जी, चिराग लाते लाते यानी कि मैनू वधिया कुछ राहत मिली। उस तो बाद साढ़े घर गद्दी लग गई, मैं उन्होंने साधना करता रहा पीर की, तो उन्होंने पाठ पूजा करके उन्होंने यानी कि आराधना पूरी कर लग गया उन्होंने। उस तो बाद मैं होर देवी देवते भी नाल भगती कर लग गया जी, जिमें अपने विष्णु की, शिव शंकर की, काली माता की। काली माता दे भी मैं मंदिर च भी जाता सी, बोतलों भी चढ़ाता सीगा जी, सारा कुछ करता जी। उस तो बाद मैं इन्ना ज़्यादा दुखी करता उन्होंने कि मैं मरन नूं भी ऐ लगे करे भी मैं मर जाता वधिया ही जी, इन्ना ज़्यादा कष्ट रहन लग गया मेरे शरीर च, क्योंकि उन्होंने सुखां देनिया पैंदियां हरेक महीने, तो कष्ट मैनू देन लग जाते वह पहले ही। जो मैं सुख दिता उस बाद ठीक हो जाता, फिर 15 दिन बाद फिर उही हाल हो जाता मेरा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुंदा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की महाराज जी शरण के मैं 2013 छेवें महीने च आया सीगा जी। सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी की शरण में आए थे, हमारे गांव से एक हमारे चाचा जी का लड़का था, वो पहले गया था आश्रम में, उसने नामदान लिया था। उसने TV पर सुनकर बुक मंगाई थी, बुक पढ़कर उसने नामदान ले लिया था। 6 महीने पहले हमसे गया था वो, पर उस टाइम मेरे मैं भी राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था, उनसे भी नाम लिया था। तो साल भर हो गया मुझसे, मैं मेरे भाई ने सब तो पहला नाम लेता सीगा जी, मेरे तो छोटा भरा था मेरा, 6 महीने 3 महीने पहला नाम लेके आया सी। उन्होंने यानी कि ज्ञान समझाया सानू, बाकी मेरे शरीर के प्रॉब्लम ज़्यादा सी करके मैं इस वजह के ना, मैंने उन्होंने कहा भी तू शरीर तेरा ठीक हो जूगा जमा तू परमात्मा ने गए गुरु जी संत गुरु रामपाल जी महाराज तो उन्होंने सरण से जाके तो सब कुछ ठीक हो जूगा। तो पूर्ण संत ने वह, तो उन्होंने सरण से जाने तो बाद तेरे सारे शरीर के कष्ट तो दूर होणगे तो तेन मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण के जाने तो बाद जी मैं बहुत वधिया लाभ तो यह मिले गा कि मैं बाबे नानक का मार्ग मिल गया, जिहड़ा बाबे नानक ने जाने कि सतलोक गए सच्ची साधना करके हुण तक उन्हां दी महिमा गाउंदे ने। वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी सौ बहुत प्रमाण ने गे, तो प्राण संगली दे विच भी प्रमाण ने गे, तो अपने भाई जन्म साखी दे विच भी उन्होंने प्रमाण ने जी। उन्होंने मैं देख के तो गुरु जी के शरण च जाके दृढ़ विश्वास नाल भगती दे विच लग्या जी। मेरा शरीर बहुत कष्ट सीगे, उन्हां तों मैनूं कुसरात बहुत मिली है जी। तो उस तो बाद देवी देवत्या की पूजा जी करता सी, उन्होंने मैंने जेडे तंग करते उन्होंने तो छुटकारा मिले जी। मैं हूँ मैं किसी की सुख नहीं दिता, किसी को पूजता नहीं है, बस परमात्मा पूजते हैं कबीर साहब न। उस तो बाद एक छोटा जहा होर लाभ होया सीगा, जिहड़े अपने मेरा छोटा बेटा सीगा उहदे 7 तो उपर डिग पिया सीगा जी, पौड़ियां दे विचों उहदा सिर तक थले वज्जा सीगा नीचे आके, तो उहदा सिर जाने कि अद्धा सारा इस पासा नीला हो गया सीगा। तो मैं घर है नहीं सी, घर होर मेरी धर्म पत्नी भगतमती जी सीगे, उन्होंने एकदम चक्या उन्होंने जाके देखा जो भी वह बुरा हाल होया पाया सीगा, तो उन्होंने जल दिता उन्होंने परमात्मा का, जल देन सार ही उहदा जाने कि नीला बनता उहदी ठीक हो गया, तो वह जाने कि होश विच आ गया सीगा। तो ये सब तो वधिया लाभ होया कि उन्होंने नाल दी नाल ठीक होया। उस तो बाद उस जो असीं डाक्टर कोल लैके गए दूसरे दिन, उहदी जिहड़ी एक्सरे वगैरह कराए जी डाक्टर दे कहण दे मुताबिक, तां उन्होंने उहदे विच कुछ भी नहीं आया जी, उस टाइम साफ वधिया जाने कि ऐ लग्या भी जिवें परमात्मा ने उहनूं आप ही बचाया होवे। तो उहदे विच दवाई जाने कि 700 रुपये दे विच ही साडा लाभ हो गया। उहदे नाल दा ही केस एक होर होया सीगा साडे नेड़े पिंड दे विच,
ਉਹ ਅਠੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ DCM ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮਾਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਆਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੇ ਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਲਫਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਪਾਤੇ। ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਕੋ ਐਸੀ ਕਿਆ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਦਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਸਮਾਨ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੰਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਕੋ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਕੋ ਹਮ ਅਜਿਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਨਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਮੋਕਸ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸਰਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਔਰ ਵਰਲਡ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਨਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ TV ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੀਲ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਪਰ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਉਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਤਵ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਸੱਚਾਈ ਬਤਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਕਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਤੀਨ ਦੇਵ ਕੀ ਜੋ ਕਰਤੇ ਭਗਤੀ, ਇਨ ਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ। ਉਧਰ ਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ ਵੀ ਕਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਦੀਰੇ ਪੂਜਹੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੂਜੇ ਘੋਰ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਅਕਲ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਚੋਰ। ਹਿੰਦੂਓਂ ਕੇ ਗੁਰੂਓਂ ਕੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਔਰ ਪੀਰ ਕਾਜ਼ੀਓਂ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਮੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਪਰਿਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਤੁਮੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕੋ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਯਮ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਮੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਆ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੇਜ ਕਰ ਉਨਕੋ ਪਿਟਵਾਨਾ ਪੀਟਣਾ ਚਾਹਾ ਪਰਵਾਨਾ ਚਾਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਜਬ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਹਿੰਦੂਓਂ ਕੇ ਗੁਰੂਓਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੁੱਲਾਓਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਾ ਯੇ ਮਾਰੇ ਸੇ ਮਰ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਸਭ ਬਿਗਾੜ ਕਰਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇ ਯੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਯੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਜਲਦੀ ਸਵੀਕਾਰੀਏ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯੇ ਕਾਸੀ ਛੋੜ ਕਰ ਭਾਗ ਜਾਏ। ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕੇ ਸਭੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰੋਂ ਕੇ ਡੇਰੋਂ ਮੇਂ, ਔਰ ਲਿਖ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਸੀ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਤੀਨ ਦਿਨ ਕਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਭੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਸੋਂ ਸਮੇਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਤੇਕ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੇਕ ਭੋਜਨ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਅਸਰਫੀ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੋਹਰ ਦੇਗਾ, ਅਸਰਫੀ ਸੋਨੇ ਕੀ ਯਾਨੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੇਂ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਹਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁੰਦਰ
कंबल टाइप होती थी, पहले खद्दर की होती थी, दोहर सबसे अच्छा कंबल माना जाता था, सबसे अच्छा, तो दोहर देगा और सभी आना। अब इस लालच में सभी मंडलेश्वर अपने छोटे बड़े बीमार रोगी सब चेलों को ले आए। कहने का भाव ये है कि निश्चित तिथि जो रखी थी उस दिन 18 लाख साधु संत और काशी के सारे इकट्ठे होकर काशी का चूल्हा नोत कर रखा था, वो सभी उस काशी के बाजार में, काशी के शहर के आसपास बाहर में खड़े हो गए। रविदास जी सुबह सुबह आए घूमने के लिए, उन्होंने देख पूछा भी महात्माओं आज कोई समागम है क्या। उससे पहले एक दो ने और पूछ लिया था उन महात्माओं से, बाहर से आए उनसे, कि तुम कैसे आए हो। तो वो कहने लगे, अरे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर दुलाहा, और वो भंडारा करेगा, इसलिए आए हम। रविदास जी ने सोचा भाई कोई गड़बड़ कर दी ना, निकम्मा ने किसी ने गड़बड़ कर दी, झूठी चिट्ठी पाऊंगी। कहने लगे, आपके पास कोई पत्र गया है। रविदास जी ने पूछा, हाँ सब ने बताया कि पत्र गया हमारे पास, ये देखो पत्र है हमारे पास, 3 दिन का भंडारा है और प्रत्येक भंडारे में, प्रत्येक भोजन में एक असरफी मिलेगी और एक दोहर मिलेगी। रविदास जी तो समझ गया उनकी चाल थी, चाल है लोगों ने, ये तो सफल हो गया आज अपनी चाल में। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर और जाके सारा वृतांत बताया, तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आ जा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा, और वही ये तुझी ने नींद मेरे को तंग करेंगे करेंगे, क्योंकि इनको, इनने तो दुनिया को गुमराह करना है और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है, और ये ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ, और आज का दिन काट लूँ। और रविदास रात ने मैं अपने बच्चों को, अपनी माता पिता को, मुँह बोले माता पिता, मुँह बोले बच्चों को साथ लेकर या नगरी त्याग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे, मैं चला जाऊँगा, अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे ही रखेंगे, बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर, कबीर साहब एक रूप में वहाँ बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे, और वहाँ से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर सब कुछ तैयार करो। वहाँ पहुँचे तो 9 लाख छोड़ असंखों बैल बना के भगवान के लिए बैल बन के खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाज दिया सामान सारा और कहा ले जाओ जितना चाहिए, भगवान आपका आदेश अनुसार तैयार है। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालू से आई, और दोहर मोहर सब कुछ ठोक के, और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए टेंट, सफेद टाइप के टेंट, 9 लाख बैल और 9 लाख उनके साथ फिर वो भगत, एक एक दो दो सेवादार रहे, 2-3 लाख वो भक्त थे, 9 लाख तो नहीं थे, 2-3 लाख भक्त, और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के, स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहां टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्ष्या बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नजरों में गिराने के ही चक्कर में रहता था, इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तब राजा के पास शेख तकी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक ऐसा रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था, और भी बहुत से चमत्कार देख करके
कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा तो वहां कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमी को रोटी कहां से खिलाएगा। एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा, ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूंगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊंगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे और कबीर भाग गया होगा। वहां क्या देखा कि वहां तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की। जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना, भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असर भी सोने की दी जा रही है। अब शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहां से लाया इतना पैसा, कहां से लाया ये भंडारा। तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं? सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं, कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है? तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका एक संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के पैर के तले की धरती निकल गई कि यदि इसने छोटा सा भंडारा कहे, 18 लाख आदमी खान लायक लड्डू जलेबी को छोड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है और असर फी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, इसको छोटा सा भंडारा कह रहे। सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब आए नहीं? तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि उसका दास तो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे। तब सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर, साथ में अंग रक्षक है, जाके दरवाजा खटखटाया। रविदास उधर बैठे भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोंपड़ी में। रविदास जी ने कहा भगवान ये तो यहां भी आगे दिखे, दरवाजा खटखटा दिया। परमात्मा बोले लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो, सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तो अंदर से ही कहा भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने, मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए श्याम का अन्न भी नहीं है, 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिख रखी है, लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान मैं इन्होंने तंग कर लिया हूँ, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहां से। तब सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता, आपके दर्शन के लिए अभिलाषित है लोग और कह रहे हैं कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा एक बार चलिए बाप, दरवाजा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में मुकुट समेत और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की, तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े।
जब ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चमत्कार कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर, तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चमत्कार कर रहा है और सिकंदर कबीर साहब बैठे हैं, रविदास जी उसी ऊपर बैठे हाथी के उस अंबारी में। और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है, सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है, कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चमत्कार कर रहा है ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी। सारे मेले में घूम के पुण्यात्मा फिर आगे वहां पर जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे केशव रूप में, और वहां जब परमात्मा कबीर जी हाथी से नीचे उतरकर टेंट में प्रवेश करने लगे तो अपने आप एक पलंग आया सतलोक से सफेद, और सफेद उसके ऊपर वर्ष आसन बिछ गया, चारों तरफ हीरे पन्ने जड़े हुए उसकी जैसे गोटे पेमक होया कर ऐसे लग गए चारों तरफ देखते ही देखते, और परमात्मा उस पर विराजमान हो गए, टेंट को चारों तरफ से खुलवा दिया। और कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक, 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है, भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिला दे, खिलाना उसी ने है। और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं वो भक्त हैं, और परमात्मा उनको खोज रहा है लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहाँ परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अपना सामर्थ्य दिखाया, भगत ऐसा हो भगत के साथ भगवान इतनी साथ देता है, और वहाँ सत्संग सुनाया, लाखों लोगों ने दीक्षा ली उस कबीर भगवान से और उनका भविष्य उज्ज्वल किया। अब जब सारा कुछ काम हो लिया, सब भोजन कर करा लिया, शेष बचे सामान को टेंट को लाद कर बैलों पर सब बंजारे जो सतलोक से आए थे वो चल पड़े। जब दरिया गंगा को पार करने लगे तो गंगा का पानी घुटनों हो गया, नहीं तो भरी चला थी। सब पार हो गए, सिकंदर लोधी खड़ा है, शेख तकी खड़ा है, केशव और परमात्मा कबीर जी वहीं खड़े हैं, और भी सैकड़ों अंगरक्षक राजा के विद्वान थे। अब उधर से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आप जाओ, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, फिर लेट हो जाओगे, वो जा चुके हैं। जब थोड़ी ही देर हुई थी जब देखा सामने दरिया के ऊपर खड़े दिखाई दे रहा था दूर तक का 9 लाख बैल, कोई थोड़े नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो वहां कोई भी नहीं था, न बैल थे न बंजारे थे। तब परमात्मा से पूछा कि कबीर जी ये कहाँ गए सब बंजारे और बैल, कहाँ गए वो सब बच्चे? परमात्मा ने कहा हर में हर के दास हैं, दासन के हरिपास। परमात्मा के बच्चे थे, सतलोक से आए थे, सतलोक चले गए। इतने में क्या देखा कि जो कबीर साहब केशव जो खड़ा था वहां से चलकर कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब खड़े रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे आप मेरे पर विश्वास करो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे भक्ति करो, और कभी कोई ऐसी आपत्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की भी आएगी तो ऐसे मदद करूंगा जैसे अपने अपने विषय बता रहा है कि जैसे मेरी मदद हुई है, यानी करने वाले तो खुद ही थे, तो आपको भी मैं इतना साथ दूंगा।
तो यहाँ वो सिकंदर शेख तकी क्या कहता है कि ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें, राजा के घर में कोई कमी है क्या, जिसने क्या किया है, राजा के पंप लगावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे गाली का डे ओछा। एक तो महोछा होता है, जैसे किसी का माता पिता मर जा, मृत्यु हो जाए, उसको फिर ये पंडित गुरु लोग बताया करते हैं, इतने कपड़े लिया, इतना फलाना कर, इतना फलाना कर, वहाँ जाकर ऐसे ब्राह्मण जमा दे, कहते हैं उनके लिए वो मजबूरी में फॉर्मेलिटी सी करता है कि ये करनी पड़ेंगी, इतने कपड़े खराब शराब से 500 लेने पड़ेंगे, उसको तो कहते हैं महोछा। और एक होती जग जोनार, जो खुशी में, जैसे किसी का लड़का हो जाता था तो वो अपनी मर्ज खुशी तो खुले हाथ से पैसा लगाता था, तो उसको जोनार बोलते थे। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस भंडारे में जो अच्छी आत्मा थी, वो तो यूं कह रहे थे कि ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना, जो वस्तु मांग रहे हाजिर हो जाती है, 5 मिनट के अंदर सब चीज उपलब्ध हो रही है, ओहो ऐसा भंडारा, ये तो जोनार की है, जोनार। और शेख तकी कहे इसने क्या किया, तो महोछा किया, महोछा। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि कोई कहे जग जोनार की है और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई कराया करे और गाड़ी काट ओछा। तो शेख तकी तो ओछा आदमी था, उसने तो बकवाद ही करनी थी, और बड़े बड़े होते हैं, विशाल हृदय वाले जो व्यक्ति होते वही बड़ाई कर सकते हैं दूसरे की, दूसरे की बड़ाई करना अच्छे व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य ऐसे भगवान में आपका संयोग हो गया है, विश्वास रखना इसकी एक एक बात को आधार बना कर रखना, और जब भी कोई दिक्कत आओगी दाता खड़ा पाओगा आपको, और कोई आपत्ति आप आने नहीं देगा, सदा साथ रहेगा, भक्ति करो मोक्ष कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की ऐसी रजा से आप चंद आत्माएं परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, मटकत प्राणी फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा, उस परमात्मा की रजा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, उसी परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से आप सत्संग में पहुंच पाए हो। अन्यथा आज के इस कलयुग में किसी व्यक्ति को चैन नहीं, एक पल का टाइम नहीं, अपनी ही रोजी रोटी के लिए दिन रात इस अनमोल जीवन को लगाए रखता है। होता वही है जो उसके प्रारब्ध में किस्मत में लिखा हुआ होता है, प्राप्त वही होता है, लेकिन सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना फिर परमात्मा की तड़फ नहीं बनती। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी उपस्थित होते हैं, आप उन पुण्य प्राणियों में से हैं, आप उन पुण्य भागी प्राणियों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। आपको वो स्थान मिला, आपको वो ज्ञान मिला, आपको वो भगवान मिला जिसके लिए हम अभी तक तड़फ रहे थे। ऋषि मुनियों ने सारा जीवन न्यौछावर कर दिए, राजाओं ने राज भी त्याग दिए, जंगल में जाकर भक्ति के लिए सारा जीवन लगा दिया, लेकिन ये वस्तु उनको नहीं मिली जो आज आपको सहज में प्राप्त हो रही है। धन्य हैं आप, और धन्य हैं आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी आत्माओं का जन्म अच्छे ही माता पिता से होता है।
तो पुण्यात्माओं, सौ सौ शुक्र मनाया करो परम पिता परमेश्वर कबीर जी का कि हे दाता आपने कैसे दया करी हम अज्ञानियों को ज्ञान दिया, पापियों का पाप नाश करने का विधि बताई, तरीका बताया। हमने युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी चोले को मैल से, गंध से, पापों से सान रखा है, ढक रखा है, इस पर बहुत पाप लथेड़ रखे। अभी तक हमें इन पापों का नाश करने का जो साधन था वो प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो सतनाम और सारनाम आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, हो रहा है, जिससे आपके युगों युगों के पाप भी नाश होंगे, आप निर्मल होंगे और भक्ति धनी होकर के आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आप भी छुड़े हुए हो। आप उस सुख को जो सतलोक के अंदर आपको प्राप्त था, सहज में प्राप्त था, कोई किसी चीज की वस्तु का अभाव नहीं था, किसी वस्तु की वहाँ कमी नहीं थी, सभी पदार्थ आपके सामने भरपूर रहते थे। और इस मन की एक ऐसी आदत है जब ये सुखी हो जाता है ये बकवादें करता है और उस सुख स्थान को त्यागने की पूरी चेष्टा करता है। उसी के परिणाम स्वरूप हम उस भरे सुखों से भरे उस लोक को त्याग कर या दुखों से भरे लोक में आ गए। आम के बगीचे को छोड़कर हम बबूल के वन में घुस गए और बबूल के वन में अब हम आम ढूंढ रहे हैं। इस गंदे लोक में हम सुख खोज रहे हैं। कोई राजा बनकर सुखी होना चाहता है, निर्धन चाहता है धनी हो जाऊं, धनी होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। धनी सपने में भी सुखी नहीं होता। और आम व्यक्ति सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। सपने में भी सुख नहीं है मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। इस भूल के अंदर ही हम अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, ये सकल चपी नाकाल का, कुछ मुख में कुछ बोध। इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो आप, किसी को अधिक दुख है उससे कुछ हमें कम दुख है उसको हम सुख मान बैठे हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति का एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके तीन पुत्र थे, दो शेष बच गए, बुरी तरह रो रहा था, टक्कर मार रहा था, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से व्यक्ति आ रहे थे। शोक व्यक्त करने वालों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था और वो भी कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो अन्य सांत्वना देने वालों ने बताया कि देख भाई, इस व्यक्ति को देखकर ही तू कुछ संतोष कर ले, आपके तो दो पुत्र शेष बचे हुए हैं, एक ही की मृत्यु हुई है और देखिएगा ये एक ही पुत्र था और उसकी भी मृत्यु होगी, इसने भी संतोष करना पड़ा। तो उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली, रोना बंद कर दिया कि ये सोचकर कि इससे तो मैं सुखी हूं क्योंकि मेरे दो पुत्र तो शेष बचे हैं, इसका इकलौता ही पुत्र था वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं हम थोड़े से दुख को, थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं अन्य की तुलना में। यदि हम थोड़े दुखी हैं तो हम इसको सुख मान बैठे कि मैं इससे तो मैं सुखी हूं, तो ये सुख नहीं है, ये तो विकल्प है कि और कोई तरीका नहीं हमारे पास, हमारी मजबूरी है इस तरह अपना मन रटने की। इसका विकल्प ये है कि परमात्मा का नाम जपो, सत भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, संभव हो सके तो राहत दे
और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते, तो दुख देना कभी मत सोचो, सपने में भी ना सोचो। इसलिए सत्संग में आकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, समाधान बताया जाता है, भगवान बताया जाता है, उस सच्चा नाम बताया जाता है जिससे आपका मोक्ष होगा। पुण्यात्मा, जिस लोक में आप रह रहे हो यो लोक काल भगवान का लोक है। अभी तक आपने ज्ञान, आपको ज्ञान था ही नहीं भगवान की भक्ति की तरफ में। कोई कोई पूजा कर रहा था, कोई 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 कर रहा था, जहां हम जाते थे वहां लाखों का समूह होता था। हनुमान जी के गए, बालाजी गए, वहां पर भी ऐसे ही, वैष्णो देवी पर गए, वहां पर भी सब ऐसे ही लाखों की संख्या में। अन्य किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ श्रद्धा से गए हुए होते हैं। तो हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो इतने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो ये साधना बिल्कुल सही ही है, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन बना नहीं। तो इस अब पता चला इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से जो गॉड गिवन है, वो यथार्थ ज्ञान है। वो चाहे हमें अपने पुराने ज्ञान के विपरीत लगे, लेकिन वो सत्य है। हमने असत्य ग्रहण किया हुआ है, इसलिए सत्य भी कुछ दिनों के लिए हमें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसका तरीका यही है कि बार बार उस सत्य को सुने। असत्य ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, इसलिए हमारे हृदय में समा चुका है, कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को भी, सत्य ज्ञान को भी बार बार सुनेंगे तो पुराना जो रंग है वो समाप्त हो जाएगा, नया रंग चढ़ जाएगा। और ये सच है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। वो असत्य था, उसका नाश जल्दी हो जाता है, असत्य जल्दी नष्ट हो जाता है। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक बहुत खराब है, और आपको अब पता चलेगा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी से कि सचमुच ये लोक ठीक नहीं है, ये रहने के लायक तो है ही नहीं। लेकिन मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है, हम इससे कहीं जा भी नहीं सकते, हम बांध ऐसे रखे, कर्मों के संस्कार जोड़ के ऐसे रस्से बना दिए जिनका बाहर से कोई दिखाई नहीं देते और अंदर से मजबूती से जकड़े हुए हैं। इनके आधार से ही हम चल रहे हैं। कोई आज किसी भी रूप में कहीं जन्मा है, मनुष्य है या पशु पक्षी है, ये कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और जब तक ये कर्मों के बंधन हमारे समाप्त नहीं होंगे, हम इस काल की कैद से निकल नहीं सकते। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरगनी प्रतपाल। सतगुरु आए दया करी,
ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्ध तास का जठरग्नि प्रतिपाल है। परमात्मा स्वयं एक सतगुरु का रूप बनाकर, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस काल के लोक में आए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल ओए होए। और बंदी छोड़ वृत्तास का, बंदी छोड़ का क्या अर्थ होता है? अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। काल के इन संस्कारों को, काल के कर्म बंधनों को काट देने वाला, छुड़वा देने वाला बंदी छोड़ कहलाता है, बंधनों से छुटवाने वाला। अमर करूं, ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा, परमात्मा कहते हैं, इसत भक्ति करवा के, और जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक वो स्थान है जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62-66 और अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है। उसमें कहा कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, काल है, 21 ब्रह्मांड का ही स्वामी है। सर्वपुरुष भी इसी को कहते हैं। ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो भगवान। और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान, ये काल भगवान बोल रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी स्थान, हम उसको सत्यलोक कहते हैं, सत्यलोक, अविनाशी स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार में की गुत्थी को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताते हुए कहता है अध्याय गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, मेरी उत्पत्ति को, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते, ठीक इसी प्रकार सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और इन सभी जीवों के उत्पत्ति करने वाला परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर साहब है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दफोटी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2017 को ली।
सुरेंद्र जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? भक्ति साधना तो जो हमारी रीति रिवाज पुरानी हिंदू धर्म से है, उनसे चलते हुए भक्ति क्या करते थे। आर्मी में था पहले, सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था और इतना नशा करता था कि मैं उस नशे सभी चीज़ें, शराब, जैसे कि शराब हो गया और चरस हो गई और जुआ वगैरह भी खेलता था, तो ताकि मैंने उस नशे के कारण अपनी नौकरी भी त्याग दी और ट्रांसपोर्टिंग ट्रक वगैरह थे वो भी सब बेच दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं इतना परेशान हो चुका था, मैंने जब लास्ट ट्रक बेची तो मैं इतना नशा करने लग गया था कि डिप्रेशन में चला गया था मैं, बस नशा। और मुझे फिर भगतमती ने क्या किया कि निर्माण में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होने के कारण मैं फिर घर आता था, फिर पीना शुरू करता था, फिर नशा मुक्ति, यानी कि 5-10 बार मैं नशा मुक्ति केंद्र में चला गया था। पत्नी ने नाम लिया 2017 में, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद में मैं, मेरे को वो एडमिट करके गई वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में। उसके बाद वहाँ आके मुझे ज्ञान गंगा दिया उन्होंने, दिया तो मैंने पढ़ा उसमें से, उससे मुझे लगा कि हाँ ये कुछ और ही है इसमें ज्ञान। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद में फिर मेरे वो नशा करने से मेरा, उससे पहले जो था मैं इतना मतलब वो हो गया था, मैंने पॉइजन खाने की भी काफ़ी कोशिश की, और उसके बाद मैंने जो वो सल्फास के डिब्बी होती है वो मैंने स्कूटी के अंदर भी रखी थी कि मैं कभी भी, मैं मौका मिलना चाहिए था मेरे को कि मैं उसी समय वो मैं सल्फास खा लूँगा, तो यहाँ तक की मेरी कंडीशन थी भगत जी। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, घर में लाए मुझे, भगत जी लोग आए घर में, सर लोग आए थे, उनने समझाया मुझे, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं संत रामपाल महाराज जी का सत्संग देखा और इंटरव्यू सुनता था, तो उससे कुछ समझ में आने लगा मेरा, फिर अचानक मेरी प्रेरणा बनी कि नानक चलिया मैंने 2017 में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी, आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रह गया था, आपकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी, फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले, क्या आपका नशा छूट पाया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे नशे छूटे। दूसरा, जो शारीरिक मेरी बीमारियां शुरू हो रही थी वो बीमारियां सारी ख़त्म हुई। बीमारियां जैसे कि पाइल्स की बीमारी शुरू होने लग गई थी, यानी कि सांस की बीमारी भी मेरे को, मेरे सांस मतलब ज़्यादा गर्मी से वो रुकने लग गया था, और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ काफ़ी थी, तो उससे मैं मजबूर होकर वो जहर भी ना चाह रहा था कि मैंने बोला पैसा है नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है, तो मैं ये चीज़ मेरे लिए वही है लास्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद मैं भगत जी मतलब छू मंतर जैसे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा करके कि ये, तो चलो मैं एक अजमा लेता हूँ वाली बात, वो तो मैंने काफ़ी अजमाया हुआ था, काफ़ी चीज़ें अजमाई थी, लेकिन वो चीज़ें मैंने बोला चलो इनको भी अजमा लेता हूँ करके वो चीज़ की, लेकिन वो दिन है आज का दिन है भगत जी, मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मैं हर चीज़ में मतलब, अब स्पोर्ट्स वाला आदमी करता ही है उल्टे सुलटे काम करना, ये मतलब हर चीज़ में वो चीज़, अभी मैं सब शांत हो चुकी हैं। बॉक्सिंग से मैंने सर्विस, यानी कि जो जिसमें हमारा सेना का, तीनों सेनाओं का रहता था, उसमें से मेडल लिया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया था नेशनल में, तो वो सारी चीज़ें भक्ति के बाद में, जो अभी अब सोच में आ रहा है कि हम ये पहले से जुड़े होते तो आज तक शायद भक्ति मार्ग में ठीक ठाक होते। चलो अभी भी जुड़े हैं, लेकिन अभी भी मार्ग सही मिला हुआ है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो सही है। और लाभ तो काफ़ी मिले हैं भगत जी, अपने पारिवारिक लाभ, और काफ़ी, मैं एक बार जैसे अभी फिलहाल जो सप्लायर का काम, और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता हूँ, तो मैं, मेरी कहीं गाड़ी आई हुई थी, वहाँ जा रहा था, पहाड़ में बैंड होते हैं, तो बैंड में ऐसे आ रहा था, तो वहाँ से बुलेरो कार आ रही थी, बुलेरो स्पीड में थी, मैं भी स्पीड में था, तो देखने जो बंदे बैठ साइड में धूप सेक रहे थे वो देख रहे थे, तो उनने बोला गया ये बंदा, मैं इसको तो टक्कर मार देगी वो करके, और मैंने भी सोच लिया था कि मैं, मेरा इस दाहिने हिस्से में जो है गाड़ी मारेगी करके, लेकिन मैं साबुत आगे निकल के और पीछे देखा मैंने, वो कार आगे चलेगी और मैं ठीक ठाक बच गया। ये गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ये कृपा हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक के पद पर थे, आप नशा करते थे, नशे के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी, नशे में ही आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, और लास्ट में आप अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे, आप बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में भी गए लेकिन आपका नशा नहीं छूटा, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप नशे के लिए अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया जो आपका नशा एकदम से छूट गया? एक तो जो उनके नियम है, उस नियम को जो फॉलो करेगा तो उससे सारे
आदमी इसने वैसे ही ठीक हो जाना है। दूसरे जो वो उसके बाद में मंत्र देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं जो नाम दीक्षा के बाद, उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि अगर सही ढंग से जिस हिसाब से बता रखे उस हिसाब से कर तो वो चीज़ सब नशा क्या उसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। वो नशा तो मेरा ऐसे चुटकी में छूटा जो कि मैं काफ़ी सालों से छोड़ना चाहता था। जब मैं स्कूल से लेबर में था तब से छोड़ना चाहता था लेकिन छूटता नहीं था, तो थोड़ा सा मौका मिल जाए फिर पीता था। लेकिन उस भक्ति में इतनी ताकत है कि वो सभी चीज़ जो भी गलत काम है उनको सबको साइड कर देती है। सर ये बहुत अचरज की बात है, आप देवभूमि से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है, आपके यहाँ केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, तो इन सब धाम को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपने बताया कि आपको जो संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया उससे आपका नशा छूट गया, तो क्या ये मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंत्र नहीं मिला? जी मेरे को ठीक होने के लिए मेरे घर वालों ने क्या, मेरी पत्नी ने क्या, काफ़ी कोशिश की, यानी कि गढ़वाल से लेकर के जितने हमारे कुमाऊँ के गुरु अगर बगर ये भूख झाड़ फूक करने वाले जितने से सबको पूछा मैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता था वो खर्चा किया, लेकिन कहीं किसी की बस की बात नहीं कि मैं एक दो दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी, एक दो दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी। तो वही मैं समझ के चलता था कि हाँ चलो ये वाली नाम दीक्षा लेने वाली बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने वाली बात कर रहे हैं, चलो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर ली। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने हर शहर हर चीज़ देखी हुई है, सब चीज़ मैंने, मैं मुसलमानों के उनके पास में गया हूँ जो ये होते हैं पीर जो होते हैं उनके पास भी गया, उन्होंने से भी मैंने वो झाड़ फूँक करने की कोशिश की लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने चलो मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं तो मैं एक बार चलो ये जो कह रहे थे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं एक बार ठीक है मैं मानता हूँ उनकी बात में करके मैं जब रामपाल जी महाराज के शरण में तब आया। जब मैं शरण में गया तो मुझे यकीन नहीं था फिर भी कि मैं ये होगा करके, सिर्फ मैं इंटरव्यू जब देखता था तो उससे पता हाँ फर्क तो हुआ है। लेकिन जब मुझे नामदान नाम दीक्षा लेने के लिए जब मैं वहाँ गया, वहाँ जब मुझे वो चीज़ बताई गई कि ये चीज़ करनी, तो वो मैंने करीबन डेढ़ दो महीने से तो मैंने प्रॉपर ऐसे की कि मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं अगर इतनी शक्ति इनमें होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा, और मैंने की प्रॉपर ढंग से जो चीज़ें बताई मेरे को तो मैं वो चीज़ें सब निकल गई और संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज के डेट में ठीक हूँ और समाज में बैठने लायक उठने लायक हूँ। जो मंत्र नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए हैं उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र विश्व में तत्वदर्शी संत के पास ही होता है वही देते हैं और बाकी वो किसी के पास नहीं होता, ना वो किसी के और के देने से और के पास तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनके देंगे तो उनसे फ़ायदा होता है। उन मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम उनको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से उनको फॉलो करेंगे तो वो चीज़ से फ़र्क होता है। सर जैसे कि आपने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पैसे लगते हैं, जितने दिन आपके पास पैसे हैं उतने दिन आप वहाँ रुक सकते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी पैसे लगते हैं? नहीं भगत जी, वहाँ पैसा का वहाँ तो आश्रमों में जाने से ऐसा लगता है कि हम कहीं और ही चले गए, वो कोई पैसा नहीं, ऐसा घी में बना हुआ खाना मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में इतनी सुविधाएं हैं भगत क्या जगत क्या सबके लिए जो वहाँ पर आते हैं सुनने के लिए, कि वो कहीं जो भी आता है वो मतलब ऊपर ही बात करता है कि यार तो बहुत अच्छा है ये है। सर अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सत्संग में नीचे से एक पट्टी आती है उसमें नंबर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र हैं, नामदान नज़दीकी नामदान केंद्र में उनमें फ़ोन करके आप नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज जी की से नामदान नाम दीक्षा ले सकते हैं। सुरेंद्र जी हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें